तो गाइस हम आ चुके हैं लाल बाग। ये देखो पेड़ का क्या बना रखा है। ये देखो यहाँ पे गिरगिट बना रखा है। यहाँ देखो कुछ उगा हुआ है बेहतरीन सा फल। देखो गाइस कितनी मस्त मूर्ति बना रखी है भगवान जी की। अच्छे लग रहे हैं ना ये गाइस, देख सकते हो कितने सारे डॉगी यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रखे हैं। पूरी फौज आ रही है भाई साहब की। कुछ तो देख लिया इन लोगों ने जरूर। अभी हम जा रहे हैं मेट्रो के लिए, मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो मेट्रो से जाएंगे लाल बाग। तो गाइस मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो गाइस लाल बाग तो आ गए मेट्रो से, अब ये देखना है कि लाल बाग है कैसा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। बाकी मैं पूरे एक दिन सोया नहीं हूँ और भाई साहब की देख सकते हो कितने ज़्यादा स्टेप हो गए हैं, ढंग से नहीं दिख रहा। देख सकते हो कितने ज़्यादा स्टेप्स हो चुके हैं, 11 किलोमीटर 14,000 स्टेप। तो गाइस हम आ चुके हैं लाल बाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलोर, अभी एक्सप्लोर करेंगे, अभी कुछ खाने पीने का देख रहे हैं। तो गाइस अभी हम खा रहे हैं फ्रूट चाट। तो गाइस आ चुके हैं हम बोटेनिकल गार्डन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ गार्डन है यहाँ पे, फूल पत्ती हर तरफ अच्छे से उगी हुई है और भी पता नहीं क्या क्या है, वो तो चलते चलते पता चलेगा। यहाँ पे एक डॉगी सो रहा है और भी यहाँ पे फूल पत्ती कुछ है, मस्त है एकदम। यहाँ पे चिल मारने के लिए आए हुए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ऐसा कुछ मैप है यहाँ का देख सकते हो लाल बाग का, इसमें झील भी है। मैं तो सोच रहा हूँ ड्रोन उड़ाऊँ पर देखते हैं अलाउ है कि नहीं। बाकी यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखा रखी हैं, इन सबको विजिट करेंगे एक एक करके, सही रहेगा, मज़ेदार है। अभी काफ़ी दूर आए हैं, काफ़ी थक गए हैं वैसे, पर घूम के रहेंगे क्योंकि इतनी दूर आए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी है, ग्रीनरी ग्रीनरी, जहाँ देखो ग्रीनरी। और यहाँ का मौसम भी एक नंबर है, एकदम मज़ा आ जाता है घूम फिर के, सारी थकान दूर हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। बाकी फ़िलहाल अभी तो मस्त रेस्ट करेंगे, अभी कहीं बैठेंगे क्योंकि काफ़ी देर से थक गए हैं चल चल के। हम सोए भी नहीं पूरे एक दिन से, सारे के सारे साइकोपैथ रखे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाल बाग लेक भी है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी देख सकते हो वहाँ पे लेक है, कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके का। गाइस बारिश होने लग गई तो ड्रोन शॉट तो नहीं ले पाए, बाद में लेंगे। बाकी देख सकते हो काफ़ी सही है, अभी ऐसे बनाते हैं व्लॉग। यहाँ देखो कुछ उगा हुआ है बेहतरीन सा फल। यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फुल हरियाली है यहाँ पे भी, एक टाइप के फ्लावर हैं, बाग ही बाग है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो बेंगलोर है वहाँ पे अजीब अजीब टाइप के फ्लावर्स का मतलब ब्रीडिंग होता है और काफ़ी फेमस भी है प्लांट्स की वजह से। देख सकते हो कितनी हरियाली है और मौसम भी एकदम ठंडा रहता है। देख सकते हो कितना बड़ा पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है, देख सकते हो चारों ओर हरियाली है। ज़्यादा कुछ तो है नहीं बोलने को, बाकी एंजॉय कर सकते हो आप लोग सिनेमैटिक ब्लॉग। ड्रोन होता तो ड्रोन को फॉलो कराता, वही बनाता रहता रिकॉर्डिंग। हर तरफ बड़े से बड़े पेड़ हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मस्त एकदम बेहतरीन। हाँ मैं लाल बाग में और मोंटी पेड़ चल रहा है। पेड़ का नाम ये है लिखा हुआ, अरे अरे आराम से, ये बढ़िया।
भाई अच्छा देख सकते हो कितने सारे डॉग यहाँ पे, पता जॉबों में नहीं कहाँ कहाँ से आ रखे हैं। पूरी शहरों में सरकारी फौज आ रही है स्कूलों भाई में साहब बच्चों को की। रखा हुआ है, वहां पे कुछ गार्डन वार्डन तो भी है। देख लिया इन लोगों ने मेरा जरूर, मानना अभी है लोगों में से जाके सारे बोलना पीछे जा रहे कि हैं। पार्क वार्क के लिए छोड़ो। अब मान लो जैसे आप हरिद्वार देखो तो उसका कोई पार्क नजर ही नहीं आएगा। बाकी हम यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग थक गए, सब आराम कर रहे हैं और वादियों के मजे ले रहे हैं। तो क्या नजारा है देख सकते हो यहाँ पे, मुझे लगता है काफी मस्त मस्त फ्लावर होंगे, तो चलो चलते हैं देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे पौधे लगे तो नहीं है, लेकिन लगाते होंगे जब सीजन आता होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो खेती स्टार्ट कर दिया, काफी मस्त लग रहा है, एकदम भयंकर ही सीन है। छोटी छोटी धीमी धीमी सी बारिश होती रहती है, तो काफी चिल लगता है सीन। यहाँ पे देखो बैम्बू के भी डिजाइन है, मस्त लग रहा है। देखो पेड़ का क्या बना रखा है, यहाँ पे पेड़ की अलग अलग कलाकृति यहाँ दिख रखती हैं। पेड़ की यहाँ पे अलग अलग कला देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे क्या बना रखा है, ड्रैगन टाइप का, मस्त है एकदम। मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी है इतनी सारी यहाँ पे, खूब घूमते घूमते थक जाओगे इतनी सारी है। यहाँ पे देखो क्रोकोडाइल, ये देखो गाइस कितने सारे हैं, अजीब अजीब से। बहुत ही भयंकर भयंकर से पेड़ है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और सामने कुछ अजीब सी पहाड़ी सी है, वहाँ पे जाके देख लेंगे। देखो यहाँ पे गिरगिट बना रखा है, और भी अजीब अजीब चीज़ें बना रखी हैं यहाँ पे, अलग अलग ही है कुछ। वो देखो वहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, और ये रहा, ये देखो सांप या पिकॉक है ये, शायद से पिकॉक बना रखी है। सामने भी देख सकते हो किनारे की साइड ये दिख रहा है कुछ ऑक्टोपस जैसा, और इधर भी है, हर एक चीज है काफी मतलब बेहतरीन बेहतरीन सी। देखो गाइस कितनी मस्त मूर्ति बना रखी है भगवान जी की, अच्छे लग रहे हैं ना ये। और यहाँ पे भी बना रखा है कुछ अजीब सा, बहुत ही भयंकर सा ईविल टाइप का कुछ बना रखा है। मतलब हर जगह एक से एक बढ़कर से बढ़कर मूर्ति देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ अजीब सा पहाड़ सा भी है, वहाँ भी देख लेंगे। वैसे थक बहुत इतना बड़ा है ना कि थक गए, मतलब चल चल के क्या बताएं, पर जो भी है काफ़ी मतलब मस्त है, मौसम भी इतना मस्त है कि क्या बताएं, घूमने में अलग ही मज़ा आ रहा है। तो गाइस वहाँ पे चील बना रखी है लकड़ी की, मस्त एकदम बेहतरीन। ये देखो गाइस कितने किलोमीटर हो चुके हैं आज चल चल के, और यहाँ पे वाला सीन भी लेंगे, चील भी देख सकते हो, ये मस्त लग रही है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी चट्टान चढ़ने वाले हैं, काफ़ी खतरनाक सीन है यहाँ पे, बहुत ही भयंकर सीन है, चट्टान चढ़ेंगे, लेट्स गो। चट्टान चढ़ना चालू कर दिया, और देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पे फिसलने वाली चट्टान है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं बट ठीक है जो भी है,
ऊपर मंदिर सा भी दिख रहा है कुछ, और काफी सही लग रहे हैं यहाँ पे तो। अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है, ऐसे तो देखने को ही नहीं मिलती। घूमना मजा आ जाता है, एकदम वर्थ इट है। और मौसम भी एकदम बढ़िया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। चट्टान के ऊपर जाने की कोशिश है पूरी, ऊपर जाके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। चलो गाइस ड्रोन उड़ाते हैं, यहाँ पे मजा आएगा। तो गाइज आई होप आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे। अब बस धीरे धीरे क्या कहते हैं, ऐसे घूमते फिरते जा रहे हैं। एक आ चीज़ और रह गई थी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, देखेंगे मतलब हम लोग जो भी है उसके बाद सीधा घर जाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। हम शायद एक दिन से सोए ही नहीं है सारे के सारे, अलग ही मज़ा आ रहा है घूमने में। अब गाइज घर की तरफ जा रहे हैं, थक गए वैसे बहुत ज़्यादा चल चल के, आप जानते ही होंगे। तो वैसे ही कुछ खतरनाक काम कर रहे हैं, होपफुली घर जाके आराम करेंगे जल्दी। गाइज जा रहे हैं हम घर की ओर, बहुत ज़्यादा थक गए, कुछ ज़्यादा ही चल लिया मैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। कुछ इतना चल लिया हूँ इतना तो ज़िंदगी में नहीं चला, पर यह है कि शुरुआत हो गई फिटनेस की, अब ज़्यादा नहीं खाएंगे हैवी हैवी सा। तो गाइज फाइनली मैं आ चुका हूँ रूम पे और काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। सोचो 16-17 किलोमीटर चल रहे हैं तो थक ही जाएंगे ना, और बहुत चीज़ें घूमी आपने देखी ही होगी। बाकी मैं ऐसे थोड़ा चिल करने छत पर आ गया था। जैसे आप देख सकते हो छत पर कुछ ऐसा सा नज़ारा है, ऐसी ऐसी छत है। बाकी आज का दिन था तो काफ़ी बढ़िया जैसे कि आपने देखा। अब बस वही है, थोड़े रिलैक्सिंग वाले कपड़े पहनता हूँ और थोड़ा रिलैक्स मारता हूँ, क्योंकि एक दो दिन से सोए भी नहीं है हम। उसके बाद पापा खाने के लिए बुलाएंगे तो खाएंगे, तो चलो थोड़ा आराम करने के बाद मिलता हूँ। कि आपको छत का टूर दे देता हूँ, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं ये देखो, कुछ ऐसा सा है सोसाइटी, सामने पेड़ है और यहाँ पे पतली सी गली है कि नहीं। और यहाँ पे भी देखो ऐसा दिख रहा होगा, ऐसे जो बगल में घर है ना वैसे ही घर है, या सामने देख सकते हो ना, सामने जो घर पेड़ के पीछे दिख रहा है वैसे ही घर है हमारा भी। बस चलो रूम पे चलते हैं, कपड़े बदलते हैं। चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम अगली बार अगले बेहतरीन व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।